हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट अस गो टू द चैप्टर। सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे पहला हमारा जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेज लाइम स्टोन एज ए रॉ मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सी इंडस्ट्री लाइम स्टोन को एज ए रॉ मटेरियल या फिर कच्चे माल के रूप में यूज करती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट्स स्टील फॉर द पब्लिक प्लांट सेक्टर प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी है जो कि पब्लिक सेक्टर प्लांट्स के लिए स्टील को मार्केट करती है, स्टील को बेचती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा SAIL, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि बॉक्साइट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, हमारी जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो बॉक्साइट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन्स कंप्यूटर्स एसेट्रा। निम्नलिखित में से कौन सी इंडस्ट्री टेलीफोन और कंप्यूटर इत्यादि को मैन्युफैक्चर करती है, फिर बनाती है? तो यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस तरह के इक्विपमेंट्स को बनाती है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमने 30 वर्ड्स में आंसर देना है। सिंपल सी लैंग्वेज में हमने बताना है कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मैं आपको बताऊं तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम वर्ड का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है हाथ से बनाना, हाथ से बनी हुई कोई वस्तु। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में क्या हो गया है, हाथ की बजाय मशीनें ज़्यादा काम करती हैं, तो मशीनों के द्वारा भी जो भी काम किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर उसे भी हम मैन्युफैक्चरिंग ही कहते हैं, हिंदी में जिसको हम विनिर्माण बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग द वेरियस रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उस प्रोसेस से जिसके अंदर क्या किया जाता है, गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है प्रोसेसिंग के बाद। मतलब रॉ मटेरियल के अंदर जब हम प्रोसेस करते हैं तो उससे क्या होता है भाई, कोई वस्तु का प्रोडक्शन हम करते हैं उसे मैन्युफैक्चरिंग या फिर इसी प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। लेट मी टेल यू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हमने खेत के अंदर उगाया कॉटन कपास के रूप में। अब कॉटन गया इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री में जाने के बाद उससे बनाया हमने कपड़ा। तो यहाँ पे जिस कॉटन इंडस्ट्री ने या फिर कपड़े की जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है, उसने कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया और उसकी फॉर्म को कन्वर्ट करके उसको कपड़ा बना दिया। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग क्या हुई, कपड़ा बना, तो इसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। द रॉ मटेरियल्स देमसेल्व्स मे बी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे जो रॉ मटेरियल हैं वो कई बार क्या हो सकते हैं, खुद ब खुद वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, लेट मी टेल यू। देखिए, एक इंडस्ट्री क्या करती है, कोई मशीन बनाती है, वो जो मशीन है वो दूसरी किसी इंडस्ट्री के लिए काम आएगी, एज अ वो रॉ मटेरियल के रूप में काम करेगी, क्योंकि जो दूसरी इंडस्ट्री है वो उसको खरीदेगी अपने इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्शन करने के लिए। तो यही कहना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल के रूप में जो भी वस्तु हम ले रहे हैं, हो सकता है वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ही हो। नेक्स्ट, नेम एनी 3 फिजिकल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए 3 फिजिकल फैक्टर्स हमने बताने हैं, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स का मतलब ये है कि अगर हम कहीं पे अपनी इंडस्ट्री को लोकेट करना चाहते हैं तो कौन से मेन फिजिकल फीचर्स हम देखेंगे अपनी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, फिजिकल फैक्टर असेंशियल इन डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री आर। वो फिजिकल फैक्टर्स जो कि किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो हैं हमारे सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी उस जगह पे है या नहीं है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल की अवेलेबिलिटी वहाँ पे है या नहीं। और तीसरा हमारा प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, मार्केट तक हमारी एक्सेस कितनी है, मार्केट कितनी दूर है, कितना पास है, या फिर ऐसा मार्केट है जहाँ पे हमारी वस्तु की डिमांड है।
ये तीन हमारे फैक्टर्स हो गए हैं, फिजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम एनी थ्री ह्यूमन फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। कोई हमने तीन ह्यूमन फैक्टर बताने हैं किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए। पीछे हमने जो क्वेश्चन पढ़ा वो फिजिकल फैक्टर्स थे, लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ना है ह्यूमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, ह्यूमन फैक्टर्स असेंशियल इन डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री आर अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज सच एज कंसल्टेंट्स और एंड फाइनेंशियल एडवाइस एंड रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग लेबर। तो यहाँ पे तीन हमारे जो एज अ ह्यूमन फैक्टर काम करते हैं वो क्या हैं, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। अब यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे चीप लेबर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लोग सस्ते में काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं है, ये ज़रूरी होता है। दूसरा, जो सर्विसेज होती हैं जो कि हमें स्किल्ड पर्सन से मिलती हैं, कोई बहुत ही दक्ष जो लोग होते हैं, परफेक्ट होते हैं अपने काम के अंदर, जैसे कि कंसल्टेंट्स हो गए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस देने वाले पर्सन हो गए, क्या वो हमें उनकी सर्विस मिल रही है। तीसरा, रिसोर्स फॉर मेंटेनिंग लेबर, लेबर को मेंटेन करने के लिए क्या हमें रिसोर्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक इंडस्ट्रीज, गिव एन एग्जाम्पल। बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती है, एग्जाम्पल दीजिए। तो बेसिक इंडस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है, इस तरह की इंडस्ट्रीज जो है वो दूसरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं। कैसे, हम आंसर के अंदर पढ़ लेते हैं। बेसिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज दोज विच सप्लाई दियर रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं। कैसे, गुड्स को मैन्युफैक्चर करके। जैसे मैंने आपको पीछे के एग्जांपल बताया था कि एक जो बेसिक इंडस्ट्री है वो क्या करती है, वो एक मशीन बनाती है, उस मशीन को कोई दूसरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल लेती है, क्योंकि दूसरी इंडस्ट्री ने क्या करना है उस मशीन से, उस मशीन को क्या करना है, उन्होंने सीधा उससे कोई ना कोई वस्तु बनानी है या फिर कोई किसी और चीज़ का प्रोडक्शन करना है। एन एग्जाम्पल इज़ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री विच सप्लाई स्टील टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि हमारी जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो क्या करती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को स्टील सप्लाई करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स की हमें ज़रूरत होती है। द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट्स आर लाइमस्टोन, सिलिका, एलुमिना एंड जिप्सम। तो यहाँ पे लाइमस्टोन, सिलिका, एलुमिना और जो जिप्सम है ये हमारे रॉ मटेरियल के रूप में हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होता है। अपार्ट फ्रॉम दीज, कोल, इलेक्ट्रिक पावर एंड रेल ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो नीडेड। इसके अलावा कोयला, इलेक्ट्रिक पावर और रेल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 वर्ड्स। नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर हमें हमने लॉन्ग देने हैं, ठीक है, थोड़ा हमने शॉर्ट में नहीं लॉन्ग में बताना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ आर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम मिनी स्टील प्लांट्स। जो हमारे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स होते हैं वो कैसे मिनी स्टील प्लांट से अलग होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम्स डज द इंडस्ट्री फेस, किस तरह की प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ती हैं। व्हाट रीसेंट डेवलपमेंट्स हैव लेड टू अ राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी। अभी के टाइम में किस तरह की डेवलपमेंट्स की गई हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने। तो यहाँ पे हमारे एक क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं और जो मिनी स्टील प्लांट्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम मिनी स्टील प्लांट्स इन मैनी आस्पेक्ट्स। बहुत सारे ऐसे आस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसकी वजह से इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स मिनी स्टील प्लांट से डिफरेंट हैं। एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज एंड हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है इसकी सबसे पहली खास बात यही होती है कि ये बड़े पैमाने पे लार्ज होता है और साथ ही साथ जितना भी काम होता है, प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्शन जिस चीज़ का हो रहा है उससे रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो एक ही जगह पे होते हैं। फ्रॉम इंटीग्रेटेड रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग द शेपिंग। अब यहाँ पे जैसे कि रॉ मटेरियल है स्टील, उससे स्टील बनाना, उसको रोल करना, उसको शेप देने का काम जो है वो एक ही कॉम्प्लेक्स में होता है। ऑन दी अदर हैंड, अ मिनी स्टील प्लांट इज स्मॉलर, हैज इलेक्ट्रिक फर्नेसेस,
अब हमारे मिनी स्टील प्लांट, नाम से ही पता चल रहा है ये छोटा स्टील प्लांट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फर्नेसेस होती हैं, जो भट्टियाँ हैं वो बिजली वाली भट्टियाँ होती हैं। यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पंज आयरन एंड री रोलर्स दैट यूज स्टील इन गॉड्स एज वेल। अब यहाँ पे आपको पता है कि मिनी स्टील प्लांट्स के अंदर जो स्टील है वो स्क्रैप और स्पंज आयरन होता है, मतलब जो हमारा पुराना लोहा हो जाता है जब उसको हम बेच देते हैं, तो वो यहाँ मिनी स्टील प्लांट्स के अंदर आके उससे फिर दोबारा कोई चीज़ बना दी जाती है, उसको रिसाइकिल कर दिया जाता है। तो जो मेटल की रिसाइकिलिंग का काम होता है वो हमारी मिनी स्टील प्लांट्स के अंदर होता है। यहाँ पे री रोलर्स के थ्रू क्या किया जाता है, स्टील इनगॉट्स को प्राप्त किया जाता है। स्टील इनगॉट्स का मतलब जो टुकड़े होते हैं, जो स्टील मास यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। इट प्रोड्यूसेस माइल्ड एंड एलॉय स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन। और ये क्या करता है भाई, ये प्रोड्यूस करता है माइल्ड और एलॉय स्टील को, ठीक है। यहाँ पे माइल्ड और एलॉय स्टील का मतलब है कि यहाँ पे जो स्टील बनता है उसके अंदर अलग अलग तरह के मेटल्स मिला के उसको एज ए स्टील तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर है, द प्रॉब्लम फेस्ड बाय दिस इंडस्ट्री आर, इस इंडस्ट्री के द्वारा जिस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस किया जा रहा है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहला, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कॉल। पहला और मेन यहाँ पे समस्या आती है कि प्रोडक्शन करने का जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो बहुत ज़्यादा आती है, और जो कोकिंग कॉल है उसकी अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड है, मतलब वो भी लिमिटेड मात्रा में है, ज़्यादा नहीं है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी भी लोअर है। कहने का मतलब ये है कि जो श्रम व्यक्ति कर रहा है वो भी, उसके साथ जो उत्पादकता हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी कम है। नेक्स्ट है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। एनर्जी की सप्लाई भी इरेगुलर होती है, कहने का मतलब है कई बार जो है एनर्जी नहीं मिल पाती इंडस्ट्री को, और कई बार जो है मिल पाती है। तो इरेगुलर सप्लाई होती है, एक रेगुलर वे में जो है एनर्जी की सप्लाई नहीं होती। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन हमारे इंडस्ट्रीज़ का, वो भी क्या है, पुअर है, ठीक है। मॉडर्न हमारी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, बल्कि वो हम उनको परंपरागत भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, रीसेंट डेवलपमेंट्स दैट लेड टू अ राइज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री आर लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विद हेल्प फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। क्या जो है डेवलपमेंट की गई है रिसेंटली हमारे प्रोडक्शन के एरिया के अंदर, तो सबसे पहली तो हमारी जो हमारे देश के अंदर लिबरलाइजेशन कर दिया गया है। एक तरह से जो कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनको बहुत सारी जो है गवर्नमेंट के द्वारा पहले जो पाबंदियां थी, जो बैन थे, उनको खोल दिया गया है। उनको बहुत सारी सुविधाएं अब मिल गई हैं। दूसरा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी सुविधा हो गई है, बाहर से कोई भी व्यक्ति आके हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जो हमारे देश के जो इंटरप्रीनर्स हैं, प्राइवेट जो उद्यमी हैं, उनके साथ मिलके यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द इन्वायरमेंट। जो इंडस्ट्रीज हैं वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कैसे करती हैं, कैसे वो प्रदूषित कर देती है हमारे वातावरण को। तो देखिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट इज ऑफ फोर टाइप्स। अगर हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात करें तो वो चार टाइप का होता है, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस, ठीक है। तो ये चारों ही तरह के पोल्यूशन जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा करे जाते हैं। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय स्मोक रिलीज बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिकलीन्स, रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज इग्नोरिंग पोल्यूशन नॉर्म्स। अब देखिए, इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारे जो पोल्यूशन के जो नॉर्म्स होते हैं उनको इग्नोर करते हुए वो हमारा एयर पोल्यूशन करते हैं। देखिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, चाहे पेपर फैक्ट्री है, कोई ब्रिक फैक्ट्री है, कोई रिफाइनरीज़ हैं, उनके इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द डिस्चार्जिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंस इनटू रिवर। अगर वाटर पोल्यूशन की बात करें तो आपको पता है कि जो वेस्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर निकलता है वो कहाँ पे जाता है, सीधा वो लगभग रिवर्स के अंदर उसको फ्लो कर दिया जाता है, जिससे वाटर पोल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट, दिस फॉर्म ऑफ पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज एंड इलेक्ट्रो प्लांटिंग इंडस्ट्रीज़। इस तरह का जो हमारा पोल्यूशन हो रहा है वो पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके द्वारा होता है। द मेजर सॉलिड वेस्ट रिलीज इन टू रिवर्स इन इंडिया आर फ्लाई एश,
फॉस्पो जिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स। अब यहाँ पे जो मेजर सॉलिड वेस्ट है वो जो कि रिवर्स के अंदर बाहर दिया जाता है वो खास तौर पे हमारे फ्लाई एश, उड़ती हुई राख, फॉस्पो जिप्सम और आयरन और स्टील स्लैग्स होते हैं। थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब एक थर्मल पोल्यूशन होता है, ये भी वाटर पोल्यूशन की एक दूसरी फॉर्म है। कोज्ड बाय द एमिशन ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स। अब देखिए जो हॉट वाटर फैक्ट्रीज से और थर्मल प्लांट से नदियों या फिर तालाबों के अंदर बहा दिया जाता है। डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट रेंडर द सॉइल इनफर्टाइल एंड यूजलेस टू। अब देखिए जो सॉलिड वेस्ट है जब उसको डंप कर दिया जाता है या फिर उसको ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है या फिर ज़मीन के ऊपर गिरा दिया जाता है तो हमारी जो भूमि है वो इनफर्टाइल होती है हो जाती है। उसकी वजह से जो उपजाऊपन है भूमि का वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और साथ ही साथ भूमि यूजलेस हो जाती है, फिर उसका कोई यूज नहीं रहता। लास्टली नॉइस पोल्यूशन रिजल्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी जनरेटर्स एंड साज, पैनोमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स। इसके बाद जो हमारा नॉइस पोल्यूशन, आपको पता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनें काम करती हैं और वहाँ पे शोर भी बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन भी होता है। तो ये चारों ही तरह के पोल्यूशन हमारे इंडस्ट्रीज के द्वारा किए जाते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारे चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर के एक और क्वेश्चन हमारा रहता है, डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्री। देखिए हमने बात करी कि इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किस तरह का पोल्यूशन होता है, अभी हम बात करेंगे कि उस पोल्यूशन से बचने के लिए, और हमारी इंडस्ट्रीज़ आपको पता है देश के लिए ज़रूरी भी हैं, तो इंडस्ट्रीज़ भी रहें और पोल्यूशन भी ना हो, ऐसे किस तरह के मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं, तो उसी बारे में बात करेंगे। The steps to be taken to minimize environmental degradation by industry are as follow। जो इंडस्ट्री है वो environment को pollute करने से बचाने के लिए कुछ इस तरह के जो है डिग्रेडेशन जो हो रहा है environment का उससे बचने के लिए किस तरह के measures, किस तरह के step ले सकती है। To control water pollution, industrial effluents need to treated on all three levels, primary, secondary and tertiary। The use of water for processing should be minimized via reuse and recycling, rainwater can be harvested to meet water requirements and groundwater uses should be regulated by law। अब देखिए सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन को, जो इंडस्ट्रियल जितने भी एफ्लुएंट्स हैं, जितना भी वेस्ट है इंडस्ट्रियल, उसको क्या करना चाहिए भाई, उसको ट्रीट करना चाहिए थ्री लेवल्स पे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, मतलब जहाँ जहाँ पोल्यूशन हो रहा है उसको वहीं पे उसकी मैनेजमेंट कर दी जानी चाहिए। और यहाँ पे पानी का जो यूज़ है उसको कम करने के लिए रीयूज़ और रिसाइकलिंग का, अब जैसे कि पानी का यूज़ जहाँ पे हम कर रहे हैं, जो वेस्ट पानी जा रहा है उसको बचा के रखें और दोबारा से उसका अगर यूज़ करें तो पानी की बचत भी हो जाएगी। उसके साथ साथ जो बारिश का पानी है उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, जो ग्राउंड वाटर है उसके यूज़ पे थोड़ा गवर्नमेंट के द्वारा बैन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से पानी का लेवल भी बहुत नीचे जा रहा है। गवर्नमेंट उसको एक तरह से रेगुलेट करे, कहने का मतलब है उस पर गवर्नमेंट कंट्रोल रखे, बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन का पानी बाहर ना निकाला जाए और एक लिमिटेड मात्रा में ही उसको हम निकालें। नेक्स्ट, फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, स्मोक स्टैक्स शुड बी फिटेड टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रीसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स। अब देखिए हमारा जो एयर पोल्यूशन है उससे बचने के लिए जो स्मोक की स्टैक्स हैं, जो स्मोक की भट्टियाँ हैं, उनको फैक्ट्रीज के अंदर एक तरह से इलेक्ट्रिक, अगर हमारी जो भट्टियाँ हैं अगर वो इलेक्ट्रिक होंगी तो सिंपल सी बात है वहाँ पे धुआं जो है बहुत कम उठेगा। साथ ही साथ जो फैब्रिक फिल्टर्स हैं, जो स्क्रबर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। ऑल्सो स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल। इसके अलावा हम अगर स्मोक से बचने के लिए हम गैस का या फिर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोयले के द्वारा बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, कोयले का यूज़ ना करके हम गैसों का, ऑयल का यूज़ करेंगे तो धुआं कम होगा। नेक्स्ट, नॉइस पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग जनरेटर्स विद साइलेंसर्स। अब देखिए हमारे जो जनरेटर हैं अगर उन पे हम साइलेंसर लगा दें तो सिंपल सी बात है नॉइस पोल्यूशन से बचा जा सकता है। रीडिजाइनिंग मशीनरी टू रिड्यूस नॉइस एंड यूजिंग ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स बिसाइड अदर नॉइस अब्जॉर्बिंग मटेरियल। अब देखिए अगर हम रीडिज़ाइन कर दें मशीनरी को जिससे नॉइस को रिड्यूस किया जा सकता है, इसके साथ साथ ईयर प्लग्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं, ईयरफोन्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये ऐसे हमारे इक्विपमेंट होते हैं जो कि नॉइस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कम्प्लीट होता है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।